Hey guys, what's up? तो यार सीन क्या है कि मैंने अपने दो ब्लॉग्स डाल दिए चैनल पे मेरी उत्तराखंड ट्रिप के, जिसमें फर्स्ट ब्लॉग था बदियाँ टेम्पल वाला, सेकंड था वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक वाला। उसके बाद फिर मैंने अपना डेटा सारा डिलीट कर दिया था। एंड देन अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ्रेंड का फोन आया एंड ही सेड कि तेरा जो तू वापस आ रहा था उस टाइम पे जो जो कुछ तेरे साथ हुआ था तो वो तो तूने डाला ही नहीं ब्लॉग पे। एंड देन मुझे याद आया कि अरे हाँ, मैं तो वो भूल ही गया हूँ। तो अभी फिलहाल मेरे पास डेटा तो सारा था नहीं, डैश कैम वाला और गोप्रो वाला, बट मेरे पास जो डेटा था वो था सिर्फ मेरे फ़ोन का जो फ़ोन में सेव था। तो उसी से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ एंड आई होप कि मैं उसको एक प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या कुछ हुआ था इस ट्रिप में वापस आते वक्त। एंड इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चौपटा टू दिल्ली। तो देखते रहो ब्लॉग, जरूरत पड़ेगी तो हम आगे फिर बात करते रहेंगे। तब तक ले, सी यू देन, बाय बाय। Here we go. I don't know guys, but मुझे उत्तराखंड के इस पार्ट पर ड्राइव करना बहुत पसंद है। लास्ट ईयर भी जब मैं चौपटा आया था तो मुझे 5 या 6 वाटरफॉल्स मिले थे। अगर तुम लोगों ने मेरा लास्ट ईयर वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तुझे उधर उत्तर जाना पड़ेगा और तुझे वो देखना पड़ेगा कि टायर से निकल रहा है नहीं निकल रहा है। रास्ता देख लो, ये रास्ता, ये खड़ी हमारी दूरी। Now the task is to cross this stretch. पर जरूर रही है, लेट्स सी क्या रहता है। यहाँ पे पूरा कीचड़ जमा हुआ है। क्या यह चल रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में रे बाबा। ये खड़ी मेरी सूजी, ऑल द वे टू क्रॉस ऑल द ऑब्स्टिकल्स टिल चौपटा। लेट्स गो नाउ। अगर कल ये बादल नहीं रहे तो चंद्रशिला से और भी ऑसम व्यू आएगा। सामने आपको एक पीक दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी, सॉरी वाइड एंगल है। देखो मैं जूम करता हूँ, देखो सामने बर्फ वाली पीक, देखी बर्फ नहीं दिखी गाइस? अभी और जूम करता हूँ, रुको, ये तो अभी 10x हुआ है। देखो दिखी बर्फ। तो अब हम वापस आते हैं, ठीक है? तो ये फिलहाल व्यू है और ओ खड़ी मेरी सूजी, 4 ऑब्स्टिकल अपन ने क्रॉस कर लिए हैं। ये रहा IGI वाला टावर और अभी 4 किलोमीटर रह गया चौपटा से, जस्ट 4 किलोमीटर्स। सो लेट्स सी आगे क्या मिलता है, रूट क्लियर रहता है या फिर कुछ मिलता है। फाइनली इट्स चौपटा। ये खड़ी सूजी, वो रहा तुन्ना जी का गेट, अभी देखने आके दिखाता हूँ दोबारा से। Hey guys, what's up? तो यार अगर तुम लोग ये वाला पार्ट देख रहे हो ब्लॉग का तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। और इस पार्ट में मैं बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ जो शायद से आप लोगों को भी आपके ट्रैवल पे हेल्प करेगा। नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि अगर आप लोग जब भी ट्रैवल कर रहे हो, जिस भी लोकेशन पे ट्रैवल आप कर रहे हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, आपको उस लैंडस्केप के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप किस टाइम पर ट्रैवल कर रहे हो। सेकेंड थिंग इज आप जिसके साथ ट्रैवल कर रहे हो उसके बारे में आपको पता है नहीं पता है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स यू ट्रैवल विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, विद अनोन, लाइक विद अनोन फ्रेंड ऑफ योर्स, मे बी थ्रू इंस्टाग्राम और फेसबुक, या फिर कभी कभी आप ट्रैवल कर रहे होते हो इन अ ग्रुप जिसमें आपके सारे जो भी लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं वो सारे अननोन्स होते हैं। तो शायद से ये पार्ट आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा चीज़ों को समझने में और थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल करने में। अब जो हमारे साथ हुआ था यहाँ के बाद जब हम चौपटा पहुँचे थे, तो इनिशियली प्लान वॉज टू डू तुंगनाथ ट्रैक अगले दिन मॉर्निंग। इसी चक्कर में मैं अपनी बैटरीज बचा रहा था, मैं अपने फ़ोन की, अपने कैमरे की, क्योंकि सुनने में यह आया था कि चौपटा में लाइट का इशू है। तो वो जो इसके बाद हुआ था मेरे पास ज़्यादा रिकॉर्डिंग में नहीं है, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग है मेरे पास जो कि मैं अभी फिलहाल इसमें अपलोड नहीं करूँगा बिकॉज दैट वॉज समथिंग वेरी पर्सनल। तो उस इंसिडेंट से जो इसके बाद मेरे साथ हुआ था, मैं आप लोगों से जो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, फर्स्ट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू अ लोकेशन उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आप किस लोकेशन पर ट्रैवल कर रहे हो। लाइक हमने जो ट्रिप करी थी ये थी पोस्ट मानसून प्लस ये ट्रिप उस टाइम पे हमने करी थी जब बाहर की गाड़ियाँ अलाउड नहीं थी उत्तराखंड में, एंड वो तभी अलाउड थी अगर उनके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है। तो पोस्ट मानसून बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी रोड पर और हम लोगों को रास्ते में एक दिखा था हिरण। अच्छा, अगर आप उत्तराखंड ट्रैवल कर रहे हो तो इट्स वेरी कॉमन कि अगर आपको रोड पे हिरण दिखना, नीलगाय दिखना, कभी कभी आपको चीते भी दिख जाते हैं। तो अगर आपको जानवर दिख रहा है रोड पे तो उसमें पैनिक करने वाली कोई बात नहीं होती है, इट्स ऑल अबाउट कि आपको थोड़ा सा काम रहना पड़ता है उस टाइम पे और आपको समझनी पड़ती है चीज़ों को। सेकेंड थिंग इज कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट था नहीं, बट इफ़
अगेन यू आर ट्रैवलिंग टू अ लोकेशन जहाँ पर कोई ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग विद अ फ्रेंड और विद अ फैमिली और विद योर एनी वन नोन टू यू फ्रॉम फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो आप ही लोग एक दूसरे के सपोर्ट होते हो, बिकॉज अगर वहाँ पे कोई और नहीं है तो आप दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा और दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा. अब थर्ड थिंग इज कि दिस इज़ फॉर मेल्स, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो विद अ फीमेल फ्रेंड ऑफ योर्स तो आपको उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी प्रायोरिटी बन जाती है और आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. एंड सेम गोज़ विद फीमेल्स, अगर आप अपने मेल फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो इट्स नॉट कि तुम फीमेल हो तो यू विल बी लाइक तुम्हारा ही ध्यान रखा जाएगा. अगर तुम फीमेल हो तो तुमको भी अपने मेल फ्रेंड का इक्वली ध्यान रखना पड़ता है नो मैटर वॉट. तो क्योंकि इट्स ट्रैवलिंग के टाइम पे इट्स नॉट कि मेल कौन है फीमेल कौन है, ट्रैवलिंग के टाइम इट्स यू टू पर्संस ट्रैवलिंग टुगेदर, तो एक दूसरे की सेफ्टी ही इंपॉर्टेंट होती है. तो ये सब चीज़ें जो जिनको लाइक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा ट्रैवलिंग का विद नोन पर्सनस और अननोन पर्सन, उनको पता होता है चीज़ें. तो यार ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं, चीज़ें कोई ऐसी नहीं होती हैं कि उस टाइम पे आप पैनिक करना शुरू कर दो और देन आप पूरे ट्रिप को स्पॉइल करो, जो कि मेरे साथ हुआ था उस टाइम पे. तो प्लान बहुत अच्छा था, प्लान बहुत सॉलिड था हम लोग का, और जब जब सीन ख़राब हुआ था उस टाइम पे भी आई ट्राइड कि चीज़ें नॉर्मल हो सके, बट इट वो सब चीज़ें इतनी हाथ से बाहर निकल चुकी थी कि द ओनली डिसीजन दैट आई टुक वॉज टू एंड दैट ट्रिप उस मोमेंट पे वहीं पर. आई डोंट नो जो मेरे साथ था उसका क्या रिएक्शन था या उसके दिमाग में क्या चल रहा था, बट फॉर मी इट वॉज मोर लाइक इट वॉज फॉर मी इट वॉज लाइक जो भी हुआ था उस टाइम पे वो बहुत ही स्केरी था एंड आई वॉज लाइक बहुत ज़्यादा डर गया था मैं उस पूरे सीन से. और जो ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद मी उस टाइम पे था कि सम हाउ टू एंड दिस ट्रिप और जो भी मेरा ट्रैवल पार्टनर था उसको सेफली उसके घर तक ड्रॉप करना, ताकि उसके बाद कुछ भी होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी गई थी. तो फिलहाल सीधे यही हुआ था कि ट्रिप यहीं पर ख़त्म हो गई थी, जो प्लान्स थे हमारे उसके बाद के ट्रिप को लेके वो सब स्पॉइल हो चुके थे. और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह सुबह आई स्टार्टेड फ्रॉम चौकता एंड आई लाइक सीधे गाड़ी चला के ले गया था. इट वॉज लाइक GPS जो दिखा रहा था वो 12 घंटे की ड्राइव दिखा रहा था, 12-13 घंटे की ड्राइव. एंड आई वॉज टोल्ड बाय कि अगर इतना लंबा ड्राइव मुश्किल है तो ब्रेक लेना हो तो ले सकते हो, बट फॉर मी इट वॉज लाइक कि यार मुझे कैसे भी करके इसको घर ड्रॉप करना है एंड मुझे अपने आप को उस पूरे सीन से बाहर निकालना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्केरी सीन था. तो इट वॉज अ स्ट्रेट ड्राइव फ्रॉम चौपटा उसके घर तक की, एंड देन आफ्टर घर ड्रॉप आई वॉज लाइक टोटली फ्री. एंड कोइंसिडेंटली इट वॉज लाइक 15th August उस दिन, एंड आई एक्चुअली फेल्ट द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस. वो मेरे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा खुशी का लाइक मोमेंट था, जब मैंने सेफली घर ड्रॉप कर दिया था उसको. एंड यस जस्ट बी श्योर यार गाइस, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद समवन मेल और फीमेल तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि यार एक दूसरे का ही सपोर्ट बनना होता है और पैनिक नहीं करना होता है जब भी आप रोड पे होते हो, क्योंकि रोड पे कभी भी हो सकता है यार, वो प्रिपेयर नहीं होते आप उस चीज़ों के लिए, क्योंकि रोड चीज़ ही ऐसी है. ठीक है, थोड़ा सा और आगे मेरे साथ कुछ और सीन हुआ था उसके बाद, वो देख सकते हो अगर देखना चाहते हो तो. और अगर पसंद आते हैं मेरे ब्लॉग्स तो कमेंट से बताया करो यार कि कैसे रखते हैं ब्लॉग्स, क्योंकि मैं ब्लॉग्स आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बनाता हूँ, नथिंग एल्स. मेरा इससे कोई ऐसा मेरा लाइक ऑब्जेक्टिव नहीं है ब्लॉग्स बनाने का कि मुझे पैसे कमाना है, मुझे फेम चाहिए. एंड आई एम ऑलवेज वेरी ओपन टू यू गाइस, आपको कभी भी मुझसे कोई भी बात करनी हो मैं हमेशा कर सकता हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं बात करने में किसी से भी. ठीक है, थोड़ा सा ब्लॉग और आगे बचा है वो देख लो एंड बताना मुझे कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके. चलो देखो आगे, फिर मिलते हैं थोड़ा सा और आगे. गुड मॉर्निंग गाइस, सी द व्यू फ्रॉम चौकता, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. सब कुछ बंद है यहाँ पर अभी इस टाइम पे, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आ रहा है और एक ही खाली यहाँ पर होटल खुला हुआ था जहाँ रुका था अभी. एंड ब्रश कर लो, फिर ब्रश करके अभी निकल रहा हूँ और तुंगनाथ महादेव फिर दोबारा कभी इस बार नहीं हो पाएगा. चलो सिया, मिलते हैं आगे. हेलो गाइस, व्हाट्स अप. तो यार अभी मुझे ना एक जगह में रोका और मुझसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो. मैंने बता दिया चौपता से आ रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ. और बस गाड़ी की एंट्री करवा ली उनने और मुझसे एक पर्चे में लिखवा लिया कि
इसके आगे टिल टनकपुर मुझे अगर कुछ भी होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद ही हूँ। और लकीली मुझे एक बंदा मिला भी जिसने मुझे बोला कि आगे रास्ता खुला हुआ है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स क्रॉस द स्ट्रेच। सो गाइस अब लोचा यही है कि हम ड्राइविंग टुवर्ड्स दिल्ली नाउ और देखो रास्ते का सीन क्या है, ऐसे पत्थर वत्थर गिरे हुए यहाँ पर। अब आई डोंट नो कि मुझे कहाँ पर लैंड स्लाइड और रोड ब्लॉक मिल जाए, बट अभी तो यहाँ से तो गाड़ी निकल जाएगी घुमा घुमा के, बट नो आइडिया कहाँ पर अपने को रास्ता ब्लॉक मिल जाए। तो लेट्स सी क्या रहता है। एक तो लाइफ के एडवेंचर ही खत्म होते कभी भी। वो चेक पोस्ट पे लिख के दिया था टिल टनकपुर, अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो रिस्पॉन्सिबल मैं आऊँगा। देखो ये एरिया और देखो ये कौन टायर हो गया था फ्लैट और वर्कआउट डाल के मैं खड़े हो गया इस इंसान से एरिया में। ये टायर हो चुका है मेरा फ्लैट और जो मेरा दूसरा टायर है वो भी हवा छोड़ रहा है। तो फिर सीन ये हुआ था कि मैंने स्टेपनी चेंज करने की कोशिश करी बट उतनी देर में मेरे दोनों टायर फ्लैट हो चुके थे, तो फालतू मेहनत करना मैंने बेकार समझा और मैं गाड़ी के अंदर ही चुपचाप से सो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, 8:30 बज गए और लकीली दुकान भी खुल गई है। तो गाइस ये सीन था रात को, इस टाइम में हवा छोड़ दी खड़ा था इस कट पे जाता है नेपाल की तरफ। हाँ इससे आगे तो हारी बुला रहा बुरा था, अब ठीक करवा के निकलते हैं। चलो बाय। तो सीन ये हो गया था कि जब मैं सो के उठा एंड मैंने टायर चेक करवाया अपने दोनों जो फ्लैट हो गए थे, तो शॉप वाले ने मुझसे बोला कि भैया आपको टायर के अंदर ट्यूब लगवानी पड़ेगी क्योंकि टायर आपके बहुत जगह से कट गए हैं। जो कि पता नहीं मुझे लगा कि शायद वो मुझसे फर्जी बोल रहा है, तो मैंने उसको बोला भैया रहने दो हवा भर के मुझे दे दो मैं निकल जाऊँगा अपना जैसे तैसे होगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो सही बोल रहा था और लाइक थोड़ी देर की ड्राइव करने के बाद जब मैं क्लोज टू गजरौला पहुँचा था तो आई थिंक 100 किलोमीटर्स के बाद हवा टायरों की हवा फिर बहुत ज़्यादा कम हो गई थी ना, ऑलमोस्ट दोनों टायरों की हवा सेम कंडीशन में बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। फिर मैंने गजरौला में अपने दोबारा टायर की हवा टॉप अप करवाई एंड उसको मैं लेके पहुंचा सीधे अपने फ्रेंड रेविन की वर्कशॉप पे कि वहाँ पे जाके मैं उसको चेक करवा लूँगा। वहाँ पर फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अपना भी अपनी जो गाड़ी की स्टेपनी है वो लगाऊंगा अपने एक साइड पे और दूसरी साइड पे मैंने रेविन की वर्कशॉप से टायर लिया जो कि छोटे साइज़ का था, मेरा 275 है वो 255 था। स्टिल ठीक है इस चक्कर में कि बाद में जाके मैं अपने टायर्स को रिपेयर करवा लूँगा, जो भी होगा देखते हैं, नए लगवाने या फिर ट्यूब लगवाने हैं। तो फिलहाल दो सही टायर लगा के मैं अपना मेरी स्टेपनी जो थी वो और रेविन का जो वर्कशॉप मैंने नया टायर लिया था वो दोनों सही टायर लगा के मैं अपने घर पहुंचा। और घर पहुंचने के बाद मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी, मैं आके सोया हूँ, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब अपने ऑफिस के लिए निकलने लगा तो देखो क्या सीन हुआ। मॉर्निंग गाइस, पता नहीं कहीं फसर था ट्रिप में मेरे दोनों टायर फट गए, ये मैंने रेविन की स्टेपनी लगवाई गाड़ी की वो भी फ्लैट हो गई अभी, और ये जो मेरी स्टेपनी थी ये भी फ्लैट हो गई।